अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले में जो पिछले कई वर्षों से ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से परभनी जिले के तमाम उन लोगों से पैसा जमा किया जा रहा था जो लोग बचत करते हैं, ऐसे तमाम लोग ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पर बैंक में पैसा जमा कर रहे थे। और बैंक में पैसा जमा करने के बाद लालजी शर्मा इन्होंने 24 जून 2024 से अमरण उपोषण और धरने आंदोलन शुरू कर दिया है इस बैंक के घोटाले को लेकर। इन्होंने ये मांग की है कि जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिलता तब तक हम धरने आंदोलन करेंगे, तब तक हम उपोषण पर बैठे रहेंगे और साकड़ी उपोषण पर बैठे रहेंगे, ऐसा भी शर्मा इनकी जानिब से कहा गया है। और ये ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ यहाँ इनका जो पैसा बाकी है, और इनका ही नहीं बल्कि इनके जैसे तमाम वो लोग जो ठेवीदार है जो यहाँ पर इस बैंक में जिन्होंने परभनी जिले में पैसा रखा है, इन तमाम लोगों ने ये मांग की है कि अगर हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द वापस नहीं दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में हम तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसा भी इस वक्त इनकी जानिब से कहा गया है। ज्ञान राधा मल्टी स्टेट के सर्वे सर्वा कूटे परिवार के मियां और बीवी को हिरासत में लिया गया और उन पर परली में भी गुना दाखिल किया, उन पर बीड जिले में भी गुना दाखिल किया गया। और बीड जिले में गुना दाखिल करने के बाद में उन्होंने जिस तरह से उन्हें अभी भी ये लोग हिरासत में है, और ज्ञान राधा मल्टी स्टेट में जिन तमाम लोगों ने पैसा रखा हुआ है ये ठेवीदार किस तरह की बात करते हैं, ये उपोषण पर बैठे हुए, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त इन्होंने दी है। हमारे प्रतिनिधि महबूब खान पठान, इन्होंने जिस तरह से इनसे जाकर खासतौर से मुलाकात ली और मुलाकात लेने के बाद में इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। मैं माधव नाव शेख रहीम से गनी है, मैं बस स्टैंड और परभनी बस स्टैंड थाना को पॉपकॉर्न विक्रेता है। मैं रोज 400-500 रुपये बैंक के मध्य भरत होते रोज। हाँ, ज्ञान राधा ही बैंक अभी है। मैं माझं खातं कमी 2017 पासून माझं खातं आहे। मला रेग्युलर पैसे वगैरे देत होते, एकदम मला एकदम असं 20-25 हजार रुपये मध्ये अडकलेले। मी 1-1 रुपया जमा करतो असं, आणि माझे इतके पैसे असे 9 महिन्यापासून मला फिरत आहेत बँकवाले, ते अजून मला भेटले नाही पैसे। हे मला कायदे काय ना काही मला पाहिजे ना, माझ्या कष्टाचे पैसे आहेत, माझ्या मेहनतीचे पैसे आहेत, जे 1-1 रुपया जमा करून मी पैसे असे जमा केलेले आहेत। पैसे नाही मिळाल्यानंतर तुम्ही काय करणार? मी कोर्टामध्ये जाणार आहे, पोलीस स्टेशनला जाणार आहे, मला कायदेशीर कारवाई करा म्हणजे हे करणार आहे मी। कायदेशीर कारवाई करणार आहे मी। सर धन्यवाद सर आपण बोलल्याबद्दल। 2 रोजी आम्ही परभणीतले सगळे खाते ज्ञान राधाचे सर्व ठेवीदार, पिग्मी कलेक्टरचे खातेदार आणि डिपॉझिटर सर्वांनी मिळून साखळी उपोषणाची नोटीस नवा मोठा पोलीस स्टेशनला दिली। कालपासून आजपर्यंत आम्ही ज्ञान राधाच्या प्रशासना लोकांनाही कळवलं, पण त्यांच्याकडून आत्तापर्यंत काही प्रतिसाद आला नाही। आता 12 ते 1 वाजेपर्यंत आम्ही इथे सगळे जमणार आहोत आणि 1 च्या नंतर आम्ही कोतवाली पोलीस स्टेशनला जाऊन कायदेशीर गुन्हा नोंदवणार आहोत। धन्यवाद। मी परभणीचा रहिवासी असून माधव श्रीरंगराव जाधव, ज्ञान राधा या बँकेमध्ये पैसे टाकले। मी मॅनेजर साहेबाने म्हणले आमच्या इथं पैसे टाका मामा, तुम्हाला काही ताण येणार नाही काय नाही। म्हणलं नको बाबा, पिपच बंद झाली, ती जगन सरकटे साहेबाची बंद झाली, हिच्यात बी धोका लागला नाही। म्हणले बँक आहे, मला जर म्हणले असते बँक नाही सोसायटी आहे तर मी या पैसे नसते टाकले। आणि मला माहीत आहे असं कारभार आहे, आणि आता हे 9 महिन्यापासून जे घुमवायलेत घुमवून कुठे साहेबाचं तर पत्ताच नाही। आता हे आलं आहे, आता प्रशासन नाही, कोणी काही नाही, तिथंच बँकेपैसे चाललो तर कुलूप। अहो आमचं कसं करायचं? अहो आम्ही कोणाला बोलायचं? आता सामान्य माणसं मोलमजुरी करणारे, आमचं काही खरं नाही, एका दिवसाचं पिठाचं खरं नाही। आम्ही टाळ वाजून भीक मागून पैसे कसे तरी जमा केले आणि त्या बँकेत टाकले। चला म्हणलं लग्नाच्या कामाला येतील पैसे, म्हणजे ऑपरेशन झाले त्या ऑपरेशनाला पैसे कामा येणार आहेत, त्याच्यासाठी बोललो केलो मी पैसे। कोण्यासाठी पैसे ठेवले नाही, दुसरंच मदत झालं। अहो गव्हाबरोबर आमचे किडे लगडून टाकले तुम्ही। मी सामान्य माणसाचा तरी विचार करा ना कमीत कमी, दुसरे तर तुम्ही पैसेवाले सोडून द्या। पैसे नाही मिळाले तर काय करणार? पोलीस स्टेशनला जाणार। बर, कोण कोण आहे तुमच्या सोबत? माझ्याकडे 17 लोक आहेत। बर, 17 वारकरी हे सगळे उपोषण करते आहेत का? हो। ठेवीदार एकजुटीचा जय असो।
परभणीचा जय असो। सर आप किस मुद्दे को लेकर और किस तारीख से उपोषण को बैठे वाले? माझे नाव राजकुमार विष्णु कुमार शर्मा, ज्ञान राधा मल्टी स्टेट परभणी। या संदर्भात आम्ही धरणे आंदोलनाला बसलो। बऱ्याच दिवसापासून ही बँक बंद आहे, जवळपास 9 महिने त्याच्यामध्ये गेलेले आहेत। बँक म्हणा या सोसायटी म्हणा, ही बंद आहे। आम्ही बीडला कागदोपत्रीनुसार निवेदन दिले, आम्ही स्वतः बीडला जाऊन चौकशी केली, बाबा आमचे पैसे केव्हा येणार, पण आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा तिथून आम्हाला रिस्पॉन्स मिळालेला नाही। त्या संदर्भात आम्ही कदरून कदरून सर्व हे ठेवीदार गोर गरीब लोक धरणे आंदोलनाला बसलो। हे धरणे आंदोलन आमचे पैसे मिळाव हे उद्देशाने बसलेलो। आमचा उद्देश त्या कुठे साहेबांना त्रास देणं हे नाही, पण आता ते पैसे देणे जाया गेल्यामुळे आम्हाला दुसरा कोणता मार्ग नाही। या गोर गरीब लोकायला कमीत कमी पैसे नाही, कमीत कमी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हाव ही मनोकामना आमच्या सर्व ठेवीदारांपासून ही करण्यात येत आहे। आणि कसं असतंय, बऱ्याच दिवसापासून मोंड्यामध्ये जो कोणी येतो ते मला विचारते बाबा बँक का भरते। आता एक गोर गरीब कष्ट करणारे बोलमजुरी करणारे माणसं, भांडे घासणाऱ्या बाया माणसं यांचे पैसे नाहीत। काही लोक दवाखान्यात पेशंट बिमार आहेत, त्यांचे नवरे मेलेत, त्यांचे पैसे आहेत, आणि काय करावं हे काही समजणं त्याच्यासाठी हे धरणे आंदोलनाला आम्ही बसलेलो। आता मला वाटतंय ह्याच्याशिवाय कोणता मार्ग नाही आमच्याकडे, त्याच्यामुळे हे केलं। धन्यवाद। आम्ही सर्व ठेवीदार परभणी ज्ञानराधा बँकेचे, आता जवळपास 9 महिने उलटून गेले आणि कुठे साहेबांनी वेळोवेळी आम्हाला खोटे आश्वासनं खोटे शब्द देऊन आमची फसवणूक केली। शेवटी आमच्याकडे कुठला पर्याय उरला नाही शिल्लक। आम्ही प्रत्येक वेळेस जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन दिले, SP कार्यालयामध्ये निवेदन दिले, शेवटी आम्हाला एकच सर्वांना आता एकच पर्याय उरलेला आहे आमच्याकडं, हे केस घेऊन नोंद करणं गरजेचे आहे। म्हणून आम्ही सर्व ह्या ठिकाणी समजे जमलो, केस दाखल केली, शेवटी त्याच्यावर नाही पर्याय झाला, आम्ही या ठिकाणी उपोषणालाही बसलो। याहून काही मार्ग निघत असेल तर हीच विनंती आहे की प्रत्येक पोलीस प्रशासनाने जिल्हा कार्यालयाने आम्हाला सहकार्य करून समजा ठेवीदारांना एक न्याय द्यावा आणि समद्यांचे जे गोरगरिबांचे कष्टकऱ्यांचे जे पैसे आहेत ते त्यांना मिळवून देण्याचा न्याय देण्यात यावा, हीच माझी विनंती आहे सर्वांना। आप उपोषण को बैठे किस तारीख से बैठे? 30 तारखेपासून उपोषणाला बसलेलो आहेत आणि झालेले आहे। 30 तारखेपासून आम्ही सर्वजण या ठिकाणी सर्व कामधंदे सोडून या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे। 2024 पासून आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे। सर्व कामधंदे सोडून कुठंतरी आम्हाला न्याय मिळेल, कुठंतरी आम्हाला कुणी आमची दखल घेईल, हीच विनंती आहे की प्रशासनानं आमची दखल घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा आणि आमचे पैसे, आमचे कष्टाचे जे पैसे आम्हाला। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ सुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान इन्होंने मिलकर, और इनके साथ में महबूद खान पठान इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से इनके डायरेक्टर मेहराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है और पहला प्रोजेक्ट जो है ये परभणी शहर के धार रोड के केनाल के करीब ही यहाँ पर इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और NA लेआउट प्लॉटिंग है। इसमें अधिक मालूमात के लिए अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना है, प्लॉट की बुकिंग करना है, तो ऐसी सूरत में आप मौलाना अब्दुल रशीद खान नदवी, इनका मोबाइल नंबर है 9970777513, और उसी के साथ में मेराज सिद्दीकी साहब, इनका मोबाइल नंबर है 8459841116। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद जानकारी ले सकते हैं इन प्लॉटिंग के प्लॉट्स के बारे में। जल्दी कीजिए,
सिर्फ 134 ही प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है जो एनए लेआउट के। परभणी शहर के धार रोड यहाँ पर केनाल से थोड़ा आगे इफ्तेखार कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर मेरा जिस देखी इनकी जानिब से जो सर्विस दी गई है एनए लेआउट प्लॉट है और एनए लेआउट प्लॉट होने के बावजूद यहाँ पर 134 ही प्लॉट अवेलेबल है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए गार्डन का इंतजाम किया गया है और महिलाओं के लिए स्पेशली एक अलग गार्डन बनाया गया है, जेंट्स के लिए एक अलग गार्डन बनाया गया है। दो तरह के दो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग गार्डन यहाँ पर अवेलेबल करा कर दिए गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पर मस्जिद भी, महल्ले के तमाम ही लोगों के लिए एक मस्जिद भी यहाँ पर जो स्पेस है वो मस्जिद के लिए छोड़ा गया है, एक जगह छोड़ी गई है। और यहाँ इस डेवलपमेंट में एनए लेआउट है और एनए लेआउट होने के बावजूद जितने यहाँ पर 134 प्लॉट है तमाम ही प्लॉट धारकों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर के विकास में चार चांद लगाने का काम यहाँ पर एनए लेआउट प्लॉटिंग है। एनए लेआउट प्लॉटिंग होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 134 प्लॉट्स इस इफ्तेखार कॉलोनी में निकाले गए हैं। जो यहाँ अगर आपको हम बता दें कि आप अगर यहाँ पर रहने को आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहली इंसान की ख्वाहिश रहती है कि किसी भी प्लॉटिंग पर जाने के लिए रास्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको मेरे पीछे के साइड से जो रास्ता है, ये नज़ारा हम आपको स्पेशली परभणी शहर में जो प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ के परभणी शहर की प्लॉटिंग का इफ्तेखार कॉलोनी का ये पार्क का जो रास्ता है ये बता रहे हैं कि ये रास्ता सीमेंट रास्ता है। तमाम ही प्लॉटों के सामने इस तरह के रास्ते हैं। ये आपने एक नज़ारा तो देख ही लिया है मेरे पीछे के साइड का, मेरे पीछे के साइड से। और दूसरा तरफ का, एक दूसरी तरफ का जो मेन रास्ता है इफ्तेखार कॉलोनी में, ये रास्ता है मेन रास्ता। इस रास्ते को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ ये सीमेंट रास्ता है और 3 फीट नीचे डोंगा खोदकर उसके बाद ये रास्ता बनाया गया है। साइड में जो आपके आंगन होता है, आंगन में गट्टू डाला गया है और उसके साइड में, स्पेशली उसके साइड में जो नालियां हैं, ये सीमेंट के नालियां बनाई गई हैं। यही नहीं, इसके अलावा हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रिकल पोल है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है। ये इफ्तेखार कॉलोनी की खास बात है, इस इफ्तेखार कॉलोनी की खासियत है। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अगर आप अपने ख्वाब का घर, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो इफ्तेखार कॉलोनी में आइए और यहाँ पर आकर यहाँ एक नज़र आप अपने ख्वाब का घर, आपके ख्वाब का प्लॉट ज़रूर देखें। कि यहाँ पानी की सहूलत भी अवेलेबल है, बोर के लिए भी यहाँ पर बोर का पानी भी लगभग 15 से 20 फीट पर ही आपको बोर का पानी लग जाएगा। ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। परभणी शहर के धार रोड यहाँ पर इफ्तेखार पार्क 2 भी यहाँ पर निकाला गया है। इफ्तेखार पार्क 2 में 115 प्लॉट है, जिसमें से 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है और ये फिक्स रेट रखा गया है। जो अलग अलग कॉर्नर्स के प्लॉट्स है इनकी कीमत अलग तरह से रखी गई है। और आप ये डेवलपमेंट स्पेशली हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि अगर हमने किसी एरिया में जाकर रहना है तो इफ्तेखार पार्क में जाकर अपना घर बनाना है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में सुकून से ज़िंदगी बसर करना है। यही प्लॉटिंग की सर्विस रहती है, यही प्लॉटिंग वालों की जानिब से सर्विस ख़ास तौर से इस कॉलोनी के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है प्लॉटिंग के मालिकान की जानिब से। ये हम आपको जो बता रहे हैं, ये रास्ता पूरा हम आपको बता रहे हैं, जो रास्ता सीमेंट रास्ता बनाया गया है, 3 फीट डोंगा खोदकर इस रास्ते को बनाया गया है। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे। नालियाँ भी बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में बनाई गई हैं, नालियाँ भी सीमेंट की बनाई गई हैं और लगभग 3 फीट डोंगी नालियाँ बनाई गई हैं। ये नज़ारा हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से ये नालियाँ बनाई गई हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये नालियों की साइज़ है, इस तरह से नालियाँ बनाई गई। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये झाड़ लगभग 10 फीट ऊंचा ये झाड़ है और 10 फीट ऊंचे झाड़ लगाए गए हैं। जो आंगन है, घर की सहन है, घर के सामने का जो रास्ते के पास का आंगन है, यहाँ पर भी गट्टू डाल दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर सर्विस दी गई है इफ्तेखार पार्क में। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर भणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ।
एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बिल्ड, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें, मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है, मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।